अस्सलाम वालेकुम, कहानीकार टीवी के साथ मैं हूँ फैसल इकबाल। इस वक्त हम जो हैं वो गज्जू माता मवेशी मंडी में आए हुए हैं। लोगों से जानेंगे, ख़रीदारों से जानेंगे, व्यापारियों से जानेंगे। ख़रीदारों से जानेंगे कि क्या वो व्यापारियों के बताए हुए रेट से मुतमिन हैं, और व्यापारियों से जानेंगे कि क्या इस साल उनके जो जानवर हैं पिछले साल की निस्बत जो है सेल हो रहे हैं या नहीं। और व्यापारियों से ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ के इंतज़ाम जो हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, क्या वो इन इंतज़ाम से खुश हैं। तो चलिए मेरे साथ। आते हैं लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, रेट देते भी नहीं हैं। उनके पास गाड़ी देखो तो करोड़ करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। जब नीचे आते हैं उसको 70,000 मांगते हैं, कहते हैं 25,000 लो, 15,000। ऐसे कुर्बानी होती है अल्लाह की राह में। करोड़ की गाड़ी है तो अल्लाह की राह में ये 70,000 है या 80,000 ये दे दें, उनको कमी नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो बकरा सामने खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये नॉर्मली बकरा कितने का आपको मिलता है, कितने का बेचते हैं आप? सर इसका 85,000 मांगते हैं, कोई गा करके 70-75,000 दे देंगे। लेकिन ज़्यादा नहीं है 85,000 बकरे का? नहीं सर, इसकी बड़ी मेहनतें हैं सर, ये बहुत महंगा आया पीछे से भी। इनके खर्चे देखो, हमने घर छोड़ दिया है, अपने बच्चे छोड़ दिए हैं, इधर आए जलील ख्वार होते हैं इनके अचिंजन जन जंतर के नहीं से। ये भी बड़ा महंगा 500 रुपये मण पैदा पे गंदा में 2500 रुपये किलो है। इन्हें सर यही पता नहीं तो किन्नी महंगाई है तो रेट कि ना लाने 15,000-17,000। 15,000 का बकरा मिलता है, इन्हें तो बेहतर है तो मुर्गी दे जाके उसे कुर्बानी करन अपनी, अल्लाह तला तो मुर्गी दे देन। इतने आंदे ने 100-100 नखरे कर दें, इन्हें दे साढ़े इतने एक रात इतने साढ़े होने पता चल जाना है। एसिया च पैने इतने आंदे ने 15,000 का बकरा अज मिलता है। दौर तो वेखो सन 2021 लग गया है जी। अच्छा, इंतजाम ठीक है यहाँ पे मंडी के अंदर, जितने भी सारे हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, आपको सहूलत है यहाँ पे कोई? हाँ, सहूलत बेहतरीन अच्छी है, पानी भी मिलता है, लाइटिंग भी है और सिक्योरिटी भी है, मंडी के लिहाज से सही है। लेकिन ये व्यापारी जो आते हैं खरीदने के लिए ना, ये बहुत तंग करते हैं हमें। रेट बन पा रहा है, रेट नहीं बन रहा, पैसे नहीं देते, पता नहीं इनके पैसे किधर गए हैं। तो ये चारा वगैरह आप जो खरीदे हैं यहाँ से, आपको सस्ता मिलता है या ये इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको लागत वगैरह आती है यहाँ पे? सर चारे की बात हो तो चारा हम जो खर्चा करते हैं बड़ा खर्चा करते हैं, एक दिन में 5-6 हज़ार हम इनके ऊपर लगा देते हैं। गंदम है, चारा है इसका, 400 रुपये मण है, 3-4 मण ये खा जाते हैं दिन में। तो कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे आए हैं? 10 दिन हो गए इधर बैठे हैं, गाहक कोई भी नहीं आता। जो आता है नखरा करके अपनी रोटी खा के एसी में सोए हैं, इधर आता है 14 का दियो 15 का दियो ऐसे खरीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद अरशद है जी। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह आपके पास काफ़ी सेहतमंद आपने बैल वगैरह रखे हुए हैं, अभी तक इनमें कोई सेल हुआ है? जी एक सेल हो गया मेरा जी, सेल हो गया जी। कितने लेके आए हैं आप? 4 लेके आए, एक सेल हो गया जी। कहाँ से लेके आए हैं आप? आप बागपतन शरीफ से लेके आए हैं जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 5 दिन हो गए जी। तो ये यहाँ पे इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किए गए मंडी में, आप मुतमिन हैं इंतज़ाम से? जी मुतमिन है, लेकिन पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। साढ़े को टेंटों का इंतज़ाम पूरा नहीं है जी, सानू नहीं मिल रहा। असं घरों जो कपड़ा लिया है उन साया कर रहे हैं, टेंट पूरे नहीं मिल रहे जी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने लोगों से पूछने की कोशिश करी, हमने ख़रीदारों से भी पूछा, हमने व्यापारियों से भी पूछा। ख़रीदारों का कहना था कि जानवर उनकी पहुंच से बहुत महंगे हैं, इसी वजह से जो है वो ख़रीद नहीं पा रहे। और व्यापारियों से पूछा तो व्यापारियों का ये कहना था कि उनको भी जानवर जो हैं वो पीछे से काफ़ी महंगे मिले हैं, जिसकी वजह से वो जो हैं वो उस हिसाब से जो कि रेट ख़रीदार कह रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।